सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेज आयरन। तो गाइस, बिजली बम से स्कैशॉट वाले वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, ये ऊपर नहीं जा रहा, नीचे फट रहा है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रियल है और 100% वर्किंग है। बस मैं इस वीडियो में जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह से बनाएगा तो 100% ये काम करेगा। तो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास पड़ा हुआ है ये रेड वाला मिर्ची बम, और इसी से मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। गाइस, आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना फिर से समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, इस तरह का एक कागज़ ले लेंगे, जेरोक्स पेपर होगा तो और भी अच्छा होगा। तो बिजली बम के साइज से थोड़ा सा ही बड़ा, एक उंगली बड़ा इस कागज़ को फोल्ड करके इसे काट लेंगे। कागज़ को इस तरह बिजली बम के ऊपर लपेटना है और एक राउंड शेप दे देना है। गाइस, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये बिजली बम ना ही ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा लूज हो, इस तरह से मूव करना चाहिए। गाइस देख सकते हो। तो गाइस, इसे अच्छी तरीके से टेप से चिपका देना है, ऊपर भी चिपकाएंगे और नीचे साइड भी चिपकाएंगे। गाइस, इस तरीके से कुछ कागज़ के टुकड़े इसके अंदर डाल देना है और फिर किसी पेन या फिर किसी चीज़ से इस तरह से इसे ठोक देना है। गाइस देख सकते हो। तो गाइस, नीचे की साइड इस तरीके से जाम हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें टेप से सिक्योर कर देना है, इसे टाइट कर देना है। तो गाइस, इस तरीके से अंदर के साइड कितने तक कागज़ जाम है उसे नापेंगे और फिर उसके ऊपर ही ठीक एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक होल लगाएंगे, होल करेंगे। तो गाइस, स्केची से मैं होल कर रहा हूँ और फिर उसके ऊपर प्रेक मतलब कील से थोड़ा बड़ा होल करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये होल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस बिजली बम के जो स्पार्कलर होता है उससे उसके बराबर होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर इसे 10 mm से ज़्यादा बड़ा ही काटना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, देख सकते हो साइज। और ज़्यादा छोटा रखोगे तो ज़मीन में फट जाएगा और ज़्यादा बड़ा रखोगे तो ज़मीन में गिर ऊपर जाकर ज़मीन में गिरेगा तब जाकर फटेगा। तो गाइस, आप लोग साइज देख सकते हो कितना बड़ा काटा है मैं। तो इस बचा हुआ स्पार्कर को मैं स्काई शॉट के होल में डाल दूँगा इस तरीके से। गाइस, मैंने यहाँ पर दो बिजली बम को बारूद को निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो, और इसे इस तरीके से मैं इस सिलेंडर में डाल दे रहा हूँ। तो इसे नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस कर देंगे। गाइस, बिजली बम को उल्टा करके इस सिलेंडर में डालना है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, ये अब रेडी हो चुका है और करते हैं इसका टेस्टिंग। तो स्टैंड के लिए इस नट का यूज़ करूँगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर लगाएंगे और लेट्स चेक इट। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये कितना ऊपर जाकर फटा, मैं कैमरा में ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पाया। गाइस, ये वाला ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन बिजली बम के टुकड़े गिर रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, मैं जब वीडियो बना रहा था और इसका टेस्टिंग कर रहा था तो कई सारे स्कैशॉट मेरे भी ज़मीन पर फट गए, तो 10 में से 4 तो मेरे ज़मीन पर ही फट गए और 3 के तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया ठीक से। सो वीडियो थोड़ा सा पसंद होता है एक लाइक जरूर कर देना।